और यहाँ आगे यहाँ पे भी लोग रहते थे पहले, जो ये वाला पत्थर है ना इसके नीचे पे भी रहने के लिए है, तो यहाँ पे भी लोग रहते थे पहले। एकदम संकरा वाला रास्ता यहाँ पे, और ये बाढ़ कर रखी है। आगे पे दादी लोगों का घर, यहाँ पे देखो यहाँ पे। हेलो नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अभी हम लोग आए हैं अपने दूसरे वाले घर, जो कि मरड़ा ही है अब, ऐसे बोल सकते हो, यहाँ आगे पे जो है वहाँ पे। और आज वैसे हम कुछ सामान के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ का यूज ना लगभग 4 या 5 महीने ही होता है इस वाले घर का यूज, जो कि गाय गुई आती है, जब गाय आती है हमारी या बकरी आती है तो उसके उसी टाइम पे इसका यूज होता है, अदरवाइज इसका यूज मतलब फिर नहीं होता है। तो आजकल ना अब जंगल भी खुल गए हैं, मतलब दिवाली के बाद ना सारे जंगल भी खुल जाते हैं, कि जहाँ चार होती है तो वो खुल जाते हैं, तो वो खुल गए हैं अब। तो गाय यहाँ से चली गई है नीचे घर, मतलब नीचे कांडा, तो वहाँ चली गई है। और आज हमारा थोड़ा सा काम था तो इसलिए भी आए हम, साथ में आपको इस घर का थोड़ा टूर देते हैं कि क्या क्या बेसिकली यहाँ है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं पहले यहाँ से। तो ये देखो, ये थोड़ा बहुत खेत है यहाँ पे, जहाँ पे कि हमने रामदाना लगाया था, ये पीछे देख सकते हो यहाँ पे। और आगे साइड एक गौशाला है, इस साइड देख सकते हो हमारी गौशाला है, मतलब ये भी ठीक ठाक है, बड़ी है। इस साइड से भी मतलब एक कमरा है, वहाँ भी गाय रहती है और उधर साइड भी रहती है, तो दोनों साइड गाय और बकरियाँ रहती हैं यहाँ, तो ऐसा है। और यहाँ से रांसी ना, वो देखो वहाँ पे, तो यहाँ काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है फिर यहाँ आ जाता है। तो एक बार दिखाता हूँ मैं आपको चारों तरफ का व्यू। तो ये देखो, ये सारे रामदाना की खेती हो गई, और ये हो गया रांसी गाँव। और यहाँ नीचे पर भी एक घर है यहाँ पर भी, और ये आगे यहाँ पर देख सकते हो ये रास्ता है छोटा सा, एकदम संकरा वाला रास्ता है यहाँ पे। और ये बाढ़ कर रखी है यहाँ पे, देखो ऐसे पूरी चढ़ाई कर रखी है, और इसके इधर रहती हैं बकरियाँ, लेकिन आजकल तो घर चले गए हैं तो इसलिए है नहीं। रास्ता देख सकते हो आप, ऐसा है। और ये आगे पे है दादी लोगों का घर, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे है दादी लोगों का घर। और ये हमारी गौशाला, इसको कहते हैं, ये देखो ये है गौशाला। और यहाँ पर भी देखो ये कुदाल रखा होगा, ये देखो यहाँ पर भी कुदाल है। और इसके ऊपर का सीन देखोगे ना आप, तो यहाँ ना ताला नहीं लगता है, ये देखो आप, मतलब इस पे भले ये लगा रखा है लेकिन ताला नहीं लगता है, इस पे लगता है। यहाँ ऊपर देख सकते हो यहाँ पे एक, इसको बोलते हैं गोलिनो, तो इसको ऐसे निकालना पड़ता है ऊपर, और तब जाके दरवाजा खुलता है। ये देखो तो ऐसी होती है पहाड़ी गौशालाएं, अंदर देख सकते हो ये पूरा। और ये वाला जो ये वाला गेट है ना, वो है उस जगह गेट, वहाँ पे का गेट है वो, तो ऐसा है। और ऐसी होते हैं गौशालाएं, ये देखो यहाँ ऊपर देखो पूरी जाली लग रखी है। और इसके उधर ही मैंने बताया था ना कि एक और कमरा है, तो वहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी एक खिड़की बना रखी है, ये देखो। और यहाँ से भी आगे का व्यू दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा वाला व्यू। और ये देख सकते हो ये है पूरा हमारा, ये है पूरा हमारा एक छोटी सी, अब तो छानी ही बोल सकते हैं इसको, ये देखो पूरा ऐसे हो जाता है चारों तरफ। और जब यहाँ गाय रहती थी ना, तो यहाँ पे उनको बांधने के लिए लगे रहते थे, लेकिन अब यहाँ भेड़ बकरियाँ रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ थोड़ा बहुत सफाई की होगी, तो ये देखो यहाँ पे ये बिच्छू घास भी काट रखा है पूरा, और ऐसा कुछ है सामने का व्यू यहाँ से, बहुत ही प्यारा। तो जो लोग यहाँ रहते हैं ना, बेसिकली मतलब जो मरड़े में रहते हैं, जो मतलब गांव से बहुत दूर रहते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत मतलब घर से ऐसे हो जाता है कि मतलब थोड़ा मतलब ना जो बाहरी दुनिया होती है, जैसे मार्केट से हो गया, तो वहाँ से उतना मन नहीं रहता है उनका, ज़्यादातर ध्यान यही रहता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ऐसी हो जाती है, मतलब यही है, मतलब बकरियाँ बेचनी है या कुछ भी करना है तो वही है उनका सब चीज़, तो ऐसा कुछ होता है और यही उनका जीवन होता है बेसिकली 3-4 महीने के लिए। तो यहाँ मतलब ऐसा हो जाता है कि यही रहना है बस। और बहुत सी जगह रहते हैं लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कि 2-3 बुग्याल है ना, तो वहाँ भी लोग रहते हैं, आगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो जो सामने की ये 3 बुग्याल है ना, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस ऊपर वाले का नाम है सनेरा बुग्याल, और ये जिन हो गया, और ये बीच का नाम शायद पता नहीं मैं भूल गया इसका। तो यहाँ पे इन जगहों भी मतलब चरवाहे रहते हैं इस जगह, तो सोचो आप हमारा घर तो लगभग इतने ही दूरी पर, तो वो कम से कम इतने ऊपर रहते हैं यहाँ से, कम से कम 5-10 किलोमीटर ऊपर। तो ये देख सकते हो, और यहाँ आगे यहाँ पे भी लोग रहते थे पहले, जो ये वाला पत्थर है ना इसके नीचे पे भी रहने के लिए है, तो यहाँ पे भी लोग रहते थे पहले, तो ऐसा कुछ है,
लोग ऐसा अपना जीवन व्यापन करते हैं यहाँ, ये देख सकते हो। और यहाँ पे लगे हुए हैं गाय के लिए, देखो आप गाय के लिए, ये देखो यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है, गाय को ऐसे बांधा जाता है, ये देखो यहाँ पे अटकाने के लिए हो गया, ये हो गया यहाँ पे, एक वहाँ पे भी है, तो इन पे गाय को बांधा जाता है। तो अभी तो हम दूसरे काम के लिए आए थे, तो इसको ले चलता हूँ मैं घर, ये देखो। तो ये है सोल्टा, तो ये है दाई लोगों का कुत्ता, और इसका नाम पता क्या लगा, लुत्ताड़। ये देखो काफ़ी क्यूट है ये। और मेरी जो फर्स्ट वाली वीडियो थी ना, मैंने एक कुत्ते की और दो खेल रहे थे, बस मैंने ऐसी फाइटिंग वाली डाल दी थी, तो उस पर अच्छी वीडियो आए, अच्छे व्यू आए थे। तो ये वही कुत्ता है, ये देखो आप, तो काफ़ी अच्छा कुत्ता है ये, तो काफ़ी अच्छा, एकदम फ्रेंडली। जैसे इसके मतलब घर में जैसे कोई कुत्ते नहीं होते, घर में चले गए तो भौंक जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे मस्त रहता है। तो यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है ना कि यहाँ इतनी जल्दी धूप आ जाती है सुबह, तो काफ़ी अच्छा होता है यहाँ। और अभी नीचे ना सीमें लगी है थोड़ा बहुत धूप, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो यहाँ इतनी जल्दी धूप लग जाती है, और ये देखो अभी रांची तक अभी धूप आई है, उससे नीचे अभी धूप लगी नहीं है। जहाँ से हम आए हैं ना, हम आए हैं इस जगह पर से, ये देखो अभी यहाँ पर से आए हम लोग, तो अभी यहाँ तो धूप नहीं लगी है। और ये देखो पूरा नीचे अभी ऐसा ही है, अभी धूप यहीं तक आई है सिर्फ। और ये है सामने का व्यू कुछ ऐसा। तो अभी फिर से काम पड़ गया कि मुझे लाना है इस वाली बाल्टी पे पानी, तो इस पे पानी लाते हैं पहले तो, और फिर उसके बाद पहले तो इस पे पानी ही लाते हैं। और मैंने बताया था हमारा धारा है यहाँ से नजदीकी है वैसे घर से, तो लेके आते हैं। एक छोटा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, एक बंद कर दे। तो फिलहाल आपने ये वाली वीडियो देखी, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसी पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जरूर कर देना। तो बाकी सब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Thank you.